नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक गांव-गांव नगर-नगर चलाई जा रही हैं। सरकार की योजना है कि गांव के अंतिम छोर वाले व्यक्ति को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। विकास में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं पहाड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने बिल्डिंग तो तैयार कर दी, लेकिन उसमें सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई, जिससे खड़ी बिल्डिंग क्षेत्र में मजाक बनती जा रही है। जहां 1,36,00,000 से निर्मित भव्य इमारत क्षेत्र के लिए एक मिसाल बनी है, लेकिन जब उस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करके जानकारी जुटाई गई तो स्थितियां कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। यहां चिकित्सा व्यवस्था शून्य नजर आई, एक पियून के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। यहां मरीज इलाज के लिए भटकते नजर आए। बताया गया है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नागेंद्र प्रकाश मिश्रा पदस्थ थे, जिन्हें जून में बीएमओ बनाकर हनुमना भेज दिया गया। तब से आज तक किसी भी चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की गई। बीएमओ साहब समय निकालकर कभी कभार पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं। विडंबना यह है कि यहां ग्रामीणों को इलाज के लिए आसपास तक कोई सुविधा नहीं है। यहां मरीजों को 15 किलोमीटर का सफर तय करके या तो हॉस्पिटल नई गढ़ी जाएं या फिर मऊगंज जाएं, तब तो उनका इलाज हो पाएगा। करोड़ों की हॉस्पिटल की बिल्डिंग सिर्फ क्षेत्र की शोभा बढ़ाने के काम आ रही है। मोटर पंप कई माह से जला पड़ा हुआ है, जिससे पीने की पानी की सुविधा भी खत्म हो चुकी है। जन्नी निवारण के संबंध में लोगों ने बताया कि वह नई गढ़ी क्षेत्र में ही खड़ी रहती है। आखिर जिम्मेदार इस व्यवस्था से किनारा कैसे कर लिए, जनता के लिए यह बड़ा सवाल है। हम बच्ची को दिखा ले, तो क्या स्थिति है यहाँ की? अरे उसको पैर वो बच गया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये आज ऐसी स्थिति है कि हमेशा रहती है ऐसी? अरे हमें तो ऐसे चल रही है, क्यों देखने वाला नहीं? यहाँ कुछ नहीं होती है, क्या करें, गरीब आदमी है, जो होगा कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ यहाँ एक टेम्परेरी सफाई कर्मी उपलब्ध है और पियून के सहारे पूरा हॉस्पिटल है। दो है, ठीक है, दो है, लेकिन वो भी टेम्परेरी वाले। सफाई कर्मी तो किसी दायरे में चले आते नहीं हो। आइए बेचारी देखिए, अभी आशा है, चल के आई है, कोई है नहीं टीकाकरण के लिए। सर फ्री हॉस्पिटल।